नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव है। मैं एपेक्स हॉस्पिटल मालवीय नगर जयपुर में सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन व ऑस्टियोपोरोसिस व गठिया रोग विशेषज्ञ हूँ। आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है, उसके उपलक्ष्य में मैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। पहली चीज तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसमें हड्डियों का घनत्व या डेंसिटी कम हो जाती है तथा बोन क्षतिग्रस्त होने लगती है। जब हड्डियां पोरस, छिद्रयुक्त और कमजोर हो जाती हैं तो फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाता है। हड्डियां चुपके चुपके क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, कभी कभी तो जब तक फ्रैक्चर नहीं होता इसके कोई लक्षण नहीं होते। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण क्या होते हैं? शुरुआती दौर पर ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण नहीं दिखते, लेकिन बाद में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टूटने लगती हैं। बाद में दिखने वाले इस बीमारी के लक्षण ऐसे होते हैं, हड्डियों में जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों का नाजुक होना, फ्रैक्चर होना, कमजोर रीढ़ की वजह से ऊंचाई घटना, किसी को लग सकता है कि उसके कपड़े फिट नहीं हो रहे तथा पैंट्स बड़े दिखने लगते हैं। मरीजों की ऊंचाई 6 इंच तक घट सकती है। रीढ़ के बेढंगेपन से आदमी झुका झुका दिखने लगता है। पीठ पर मेरुदंड के क्षतिग्रस्त होने के कारण रीढ़ के ऊपरी हिस्से का टेढ़ा हो जाना दिखने लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस के वैकल्पिक उपचार इस प्रकार हैं। सभी समूहों के मरीजों तथा विभिन्न उप समूहों के लिए विशेष ड्रग्स विकल्पों में फार्मालॉजिकल अप्रोच होती है, जिसमें दुनिया भर की कई तरह की हर स्टेज के हिसाब से दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो मरीज को दी जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की ज्यादातर दवाइयाँ एंटी रिसॉप्टिव होती हैं। अच्छी खबर यह है कि यह भारत में बिल्कुल नए वर्ग की दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो बुढ़ापे में नई हड्डी का निर्माण कर सकते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस के परिणामों को वास्तव में पलट सकते हैं।